पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में पंजाब कांग्रेस का घोषणा पत्र दिल्ली में जारी किया गया और कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई। अगर सभी युवाओं को रोजगार की बात कही गई है तो लड़कियों को मुफ्त शिक्षा, किसानों के कर्ज माफ करने के वादे और महिलाओं के आरक्षण जैसे विषय भी बढ़ चढ़कर वादे किए गए और तो और वादों का 9 सूत्रीय ऐलान भी कर दिया गया। पंजाब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सबसे ज्यादा जोर युवा, किसान, ड्रग्स और पानी से जुड़े मुद्दों पर दिया है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की मौजूदगी में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु साझा किए। घोषणा पत्र में 4 हफ्तों के भीतर नशे का खात्मा, किसानों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा, युवाओं को रोजगार देना और SYL के मसले का हल निकालना शामिल है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि सत्ता में आने पर सूबे के हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। Which they have called captain के 9 नुक्ते। One is of course the water issue, पंजाब दा पानी पंजाब वास्ते। दूजा drug supply, distribution and consumption, 4 हफ्तियां दे विच असीं इहनूं खतम करांगे। किसानां लई आर्थिक ते समाजिक सुरक्षा। We have launched a program हर घर में नौकरी, and that is 55 lakh households in Punjab, 22 lakh from the urban areas and 33 lakh from the rural areas. So we have to give them jobs. इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि सूबे की आर्थिक सेहत को कैसे सुधारेंगे। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि सिर्फ कैप्टन ही पंजाब को फिर से विकास की पटरी पर ला सकते हैं। That हमारे टाइम में जो हम नंबर एक स्टेट माना जाता था फ्रॉम द इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू इज नाउ डाउन टू नंबर 19। सो वी आर इन अ वेरी बैड शेप। नाउ ये कहते हुए वी हैव मेड वेरी मेनी सजेशंस इन दिस, जैसे हम अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज करें। फिजिकल सिचुएशन इन पंजाब अंडर द अकाली बीजेपी गवर्नमेंट हैज बीन मिसमैनेज्ड इन ए मैनर व्हिच इज अनप्रेसिडेंटेड। कैप्टन साहब्स गवर्नमेंट विल अनडू ऑल दिस डैमेज एंड सेट ए न्यू पाथवे फॉर ए बेटर टुमारो। हर घर को एक रोजगार और नशे की रोकथाम 2 बड़े वादे हैं जिनके जरिए कांग्रेस सियासी दंगल जीतने का दांव खेल रही है। सूबे के लोगों को कांग्रेस के वादे कितने भाते हैं इसका पता 11 मार्च को चलेगा। दिल्ली से पंकज कपाही, जी मीडिया। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी होते ही सियासी गलियारे में बयानों की सरगर्मी तेज हो गई। विरोधियों ने एक सुर में कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। वहीं मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया। पंजाब के रण के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो गया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसान से लेकर व्यापारी, युवा से लेकर महिला तक हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो को पंजाब के लिए कमिटमेंट बता रही है। हम सब के नेता हर पक्षों ने देखे, पूरे पंजाब का दौरा किया है, लोगों को मिले ने और जो समझते से कि लोगों की आवाज है वो उन्होंने इस मैनिफेस्टो च पाई है। इस करके कि जो कई पार्टियां, कई अकाली दल के लीडर झूठा प्रचार करते हैं कि जी मैनीफेस्टो मैनीफेस्टो वर्गा, जां केजरीवाल अपनी पार्टी का झूठा मैनीफेस्टो बनाउंदा रहा, जां अकाली दल ने 300 पेजां दा अगे बनाया सी, कोई वादा पूरा नहीं किया। सरदार मनमोहन सिंह फॉर्मर जिहड़ा प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान का, जिन्हें साड़ी सारियां कलाजां देख के अंकड़े देख के प्रूव किया है। असी रेहड़ी वाले तो शुरू किया जिहड़ा केलियां दी रेहड़ी लाउंदा है और वड्डी तो वड्डी इंडस्ट्री और जिन्हें स्टेक होल्डरस है, चाहे स्टूडेंट है, किसान है, मजदूर है, गवर्नमेंट इंप्लॉई है, उन्होंने सारियां नूं जाके भी पंजाब का जिहड़ा मईशत है, आर्थिकता है, उहदा पहिया किवें कुकाया जा सकता है, हरेक बंदे नाल रह करके और फिर ये तैयार किया है। कांग्रेस भले ही अपने घोषणा पत्र पर इतरा रही हो लेकिन विरोधी उसके घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। उन्होंने चोन मैनीफेस्टो से लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए। आज तक कदे भी वो चोन मैनीफेस्टो सेंटर की कांग्रेस सरकार वालों भी है, हमेशा दी गरीबी घटावे, गरीबी उन्होंने राज वधी है। कोई भी उन्होंने आज तक जो देश के लोगों ने वायदा किया ना इन्हें नहीं करना। पार्टी है अज तक जिंदगी कोई मैनीफेस्टो उन्होंने मनिया है नहीं, आज एक कागज है जो डस्टबिन से इन्होंने सिर देना 4 तरीक जो 1952 घोषणा पत्र जारी होया सी,
ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਨਾ 1952 ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਪੂਰਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਇਹ 2017 ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੋ ਗੱਪੇ ਹੈ ਉਨਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੇਂ ਹੈ ਕਿਆ, ਗੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ 70 ਸਾਲ ਸੇ ਕਭੀ ਬਾਦਲ ਕੀ ਗੱਪੋ ਮੇਂ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਕਭੀ ਕੈਪਟਨ ਕੀ, ਤੋ ਇਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਗੱਪੇ ਮਾਰਤੇ, ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਗੱਪੋਂ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਨਕਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਕਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ। कांग्रेस की ओर से अभी भले ही कुछ उम्मीदवारों का ऐलान किया जाना बाकी हो, लेकिन पार्टी ने 2017 के पंजाब चुनाव को लेकर अपना विजन रख दिया है। विरोधी भले ही तीर छोड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपने घोषणा पत्र को पंजाब के लिए पार्टी का विजन बता रही है। दिल्ली से पंकज कपाही, चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर, अमृतसर से राजन गोसाई, जी मीडिया।